उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ेंगे जो मानचित्र के आधार पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का संपूर्ण व्याख्यात्मक हल देखेंगे। जी हाँ, अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश स्पेशल है तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि हम ये पूरा प्रयास करेंगे जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं उन सभी सवालों को, उन सभी तथ्यों को पूरी तरह से पढ़ना। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपका जो आज का टॉपिक है वह ऐतिहासिक परिचय, मैंने उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय क्या है, वहाँ से कैसे कैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि इन परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी का निचोड़ होगा। तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मैं छोटा सवाल है आपका, मैं चाहूँगा उस सवाल का भी जवाब देते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहला ये कि यूपी में कुल कितने ज़िले हैं। जी हाँ, यूपी में कितने ज़िले हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना वे जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे कि जो ज़िले हैं उनकी संख्या क्या है। ज़िले के साथ साथ यहाँ पे संभाग कितने हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। चलिए इसको हम लोग आगे चर्चा करते हैं आपके साथ मिलकर, खासकर रिलेनी में दुर्गेश पर। तो आपको पता होगा जिला की जो संख्या है वो 75 है, लेकिन संभाग जो है वो कितने हैं, वो आपके 18 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो सबसे पहला काम वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो को पूरी तरह से HD में दिखाई दे और आप सिलेक्शन के और करीब धीरे धीरे पढ़ते हुए चलें। चलिए हम एक एक करके प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमारे और आपके सामने यहाँ पे एक सवाल है। सवाल का नाम है, शायद आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर माने 1202-3 का युद्ध किनके बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक परिचय है वहाँ से ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में। तो जल्दी से जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जवाब दें कि उत्तर प्रदेश का जो कालिंजर का युद्ध हुआ था वो युद्ध किनके बीच हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं इनके बारे में जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे चारों विकल्प जो हैं उनको भी व्याख्या करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। देखिए, जो कालिंजर का युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो था ये 1202-3 में हुआ था। ये किनके बीच हुआ था, ये अल्तुतमिश या जयसिंह, मोहम्मद गोरी परमदी देव, मोहम्मद गोरी जयचंद, कुतुबुद्दीन ऐबक और परम दीर देव के बीच में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चंदेल के शासक, परम जो दीर देव थे ये किसके थे, ये चंदेल शासक थे। कौन से शासक थे, ये चंदेल के शासक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ था। इसमें परमदी देव की मृत्यु, जिनमें परमदी देव थे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इल्तुतमिश और जयसिंह के बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कोई युद्ध हुआ था, क्या आप लोग को याद है, याद है तो बताइए क्या। देखिए, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद की मृत्यु हुई थी। यह युद्ध 1194 में थी, यह युद्ध 1194 में कहाँ पे हुई थी, चंदावर। इसे चंदावर का युद्ध कहते हैं, इसे चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिएगा, हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइएगा जो सिलेक्शन के लिए लेने के दुर्गेश को ज्वाइन कर रखे हैं, उनकी परीक्षा में यूपी स्पेशल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्रदेश में आगरा नगर बाबर ने कब अधिकार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए बताइए, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया, 1529, 26, 30 या 1522। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, ये खानवा का युद्ध था। कौन का युद्ध था, ये खानवा का युद्ध था। जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो यहाँ पर ये नहीं स्पष्ट है कि प्रदेश में आगरा नगर, तो यहाँ पे बताइए आप लोग आगरा नगर के लिए यहाँ पे जो युद्ध हुआ था कब, किनके बीच और कहाँ पर हुआ था। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
देखिए यहाँ पर अगर इस विकल्प के आधार पर देखें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1526, जो खानवा युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आपके यहाँ पे कोई प्रश्न है, देखिए आगरा का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, आगरा का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, आगरा का द्वितीय युद्ध ये 1554 से 1556 के बीच हुआ था, आगरा का द्वितीय युद्ध था। आगरा का द्वितीय युद्ध ये लंबे समय तक हुमायूं के अधिकार में आया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे इस प्रश्न का विकल्प हिसाब से देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1526। ठीक है, आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। जितने भी वीडियो को लाइक देख रहे फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं यूपी स्पेशल से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछा जाता है। देखिए आगरा नगर जो है, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था, सभी लोग फटाफट बताइए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट कर बताइएगा आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। देखिए आगरा में जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था, लेकिन आगरा नगर की स्थापना किसने किया था, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके बताएं। अब बताइए, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। दूसरा प्रश्न आपसे है कि आगरा को पहली राजधानी किसने बनाया था, आगरा को भारत की पहली राजधानी किस शासक ने बनाया था, कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट करके दीजिए, फटाफट कमेंट करिए यूपी स्पेशल सीरीज में। चलते अगले प्रश्न की तरफ, अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे है कि ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर है हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया। हर्षवर्धन ने दो महान जो सम्मेलन है वो कहाँ पर किया, कन्नौज प्रयाग और प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर और बल्लभी या बल्लभी प्रयागराज, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया, जितने वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन किस लिए प्रसिद्ध है, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं ये प्राचीन इतिहास से मिलता है, माने प्राचीन और मध्यकालीन जहां पे जुड़ाव होता है उसके थोड़ा सा पहले आपको मिलेगा। हर्षवर्धन किस लिए प्रसिद्ध था, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या था, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि कुशीनारा, कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी, भग्गों की, लिच्छवियों की, मल्लों की, शाक्यों की, किसकी राजधानी थी, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। कुशीनगर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल जरूर पूछे जाते हैं, सभी लोग फटाफट बताइए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है मल्ल, जिला देवरिया में, ये कहाँ पे है, ये देवरिया में। मल्ल क्या था, महाजनपद था, ये क्या था, महाजनपद था। वर्तमान में कुशीनगर है, ठीक है, क्या है ये, कुशीनगर है, कासिया या पावा, ठीक है, इसकी राजधानी कुशीनारा था या कुशीनगर था। कुशीनगर में एक नाम और है कसिया, इसे कहते हैं, किसी किसी किताबों में आपको कसिया भी मिल जाता है, और पावा, कसिया व पावा, ये प्रनौन की संभवता थी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या था, ये मल्लों की राजधानी किसकी थी, मल्लों की राजधानी थी, मल्ल एक महाजनपद था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, फटाफट कमेंट करिए बताइएगा। ऐतिहासिक परिचय उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सभी का, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इससे बेहतर सीरीज हम लेकर आएंगे और इसके बाद मानचित्र के आधार पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज मानचित्र का काम नहीं है, मानचित्र के आधार पर तथ्यों को बताएंगे हम। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, काशी में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर ये देखा जाए महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुशीनारा, कुशीनारा का वर्तमान नाम क्या है, अगर वर्तमान में पूछा जाएगा इसका नाम कुशीनगर है, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी का जवाब सही है। अभी बताइए महात्मा बुद्ध का संबंध लुम्बिनी से किस प्रकार है, लुम्बिनी वर्तमान समय में कहां पर है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करें, लुम्बिनी का महात्मा बुद्ध से क्या संबंध है और वर्तमान समय में लुम्बिनी कहां पर है। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा बुद्ध का जन्म
कल कहा हुआ था। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे, चाहे गलत चाहे सही, क्योंकि आप जवाब देंगे तभी हम लोग तथ्यों को और आगे लेकर चलेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ने का और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज में आज पढ़ेंगे, इसके बाद कल और तथ्य को पढ़ेंगे, कल हम ये प्रयास करेंगे इससे जुड़े हुए जो प्रमुख तथ्य हैं उनको और अच्छे तरीके से बताया जाए। जी हाँ, लुम्बिनी इसका सही जवाब है। वर्तमान समय जो लुम्बिनी है वो नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक बात बताइएगा कि पाटलिपुत्र की, जो पाटलिपुत्र था ये किसकी राजधानी थी? जो लोग वीडियो बताइए, जो देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं जी पाटलिपुत्र है वो किसकी राजधानी थी। ठीक है, ये पाटलिपुत्र जो है, जी हाँ, मगध क्या था? मगध कौशल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन का रहा, एक का नहीं रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए जी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, एकदम आसान। यूपी स्पेशल में यहां से ऐतिहासिक प्रश्न पूछे जाते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। देखिए यहां पे, देखिए सारनाथ में बुद्ध की जीवनी घटना है, बोधगया में है, कुशीनारा में है, लेकिन सांची में नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा बी। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, बी वालों का राइट आंसर है। अच्छा ये बताइएगा, सांची का जो स्तूप है उसका संबंध किससे है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सांची स्तूप का संबंध किससे है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करें। जी वर्तमान में वो एमपी में है। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काशी, प्रयागराज, अयोध्या, सारनाथ, जल्दी जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, जितने लोग देख रहे हैं, हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, जल्दी से बताइए, 15 सेकंड आपके पास, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए हाँ, यहां पर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर अगर आपको मिल चुका होगा, जी हाँ, प्रयाग एकदम सही जवाब होगा। बी वालों का एकदम राइट आंसर है, बी वालों ने एकदम सही जवाब दिया है। अगला, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थयात्रा अशोक ने नहीं की? जी हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिक प्रश्न है। कहां की जो तीर्थयात्रा थी अशोक ने नहीं किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कहां की यात्रा एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम हलवा प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, बताइए ऐसे सिलेक्शन लेंगे आप लोग? और मेहनत करिए, जान लगा दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, उन्होंने सारनाथ श्रावस्ती यात्रा किया था, लुम्बिनी कपिलवस्तु, गया कुशीनगर, अयोध्या हरिद्वार की यात्रा उन्होंने नहीं किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। मतलब जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा या किस स्थान की यात्रा अशोक ने नहीं की थी, सम्राट अशोक। अच्छा, सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला सवाल आपके बीच है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व काशी राज कहा जाता था? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, पूर्व काशी राज। देखिए डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश्वर सर्च करके, पूर्व काशी राज किसे कहते थे? जी हाँ, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके, पूर्व काशी राज किसे कहा जाता था? देखिए पूर्व काशी राज इसे ही कहा जाता है, इसे ही सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? सिराज हिंद कहा जाता है। सिराज ए हिंद, ये प्रश्न आ चुका है आपके परीक्षा में, ये हमारे गृह जनपद जौनपुर को, जी हाँ जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। मेरा एक सवाल आपसे है, आप जिस जनपद से हैं उस जनपद की विशेषता क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, आपका जिला किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करिएगा।
ताकि जितने भी अभ्यर्थी लाइव पढ़ रहे हैं उनका एक करंट आपका तैयार हो जाए। जैसे हमारे यहाँ की मक्का बड़ी प्रसिद्ध है, मक्का और मूली यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर की, सिराजे हिंद की। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा। जी हाँ, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करिएगा। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। और एक छोटा सवाल है मेरा, दिल्ली का पुराना नाम क्या था, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करिएगा, दिल्ली का पुराना नाम क्या है। देखिए, सारनाथ का अगर प्राचीन नाम पूछ दिया जाए कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, तो ईशा पतन था। उसके बाद मृगदाव, मतलब ए और बी सही था, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प जो है डी का राइट आंसर है, डी प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, रट लीजिएगा। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, रट लीजिएगा। एक प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। एकदम हलुआ प्रश्न है, एकदम हलुआ। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स से संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़कर पूछ सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क आपके लिए चलाई जा रही है। घर बैठ कर बेहतर तैयारी करिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए। ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। जी हाँ, हाँ, यूपी स्पेशल है तो यूपी इसका उत्तर होगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे कि सूरसेन की राजधानी कहां पे थी। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, सूरसेन मथुरा के आसपास का इलाका था और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा। डी प्रश्न का राइट आंसर है, रट लीजिएगा। अच्छा, ये बताइएगा, मत्स्य की राजधानी क्या थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये विराट थी। क्या थी इसकी राजधानी, विराट थी। एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है। अंग की राजधानी क्या थी, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और अंग कहाँ थी, यह भागलपुर में था। काशी की राजधानी क्या थी, काशी जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, बनारस थी। काशी की क्या राजधानी, अच्छा कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, मेरठ दिल्ली थानेश्वर को मिलाकर था। इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, ये कहाँ था, इंद्रप्रस्थ। और ये दिल्ली का पुराना नाम भी है क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। कोसल की राजधानी क्या थी, कोसल ये अवध का क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था। इसकी राजधानी क्या थी, साकेत थी। ये अयोध्या श्रावस्ती गोंडा को मिलाकर था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके बीच के साथ आपको दिख रहा होगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबको ये दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, टोपरा सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, जितने वीडियो को देख रहे बताइए। देखिए, 16 महाजनपद थे, आपको पता है ना, 16 महाजनपद थे, रट लीजिएगा। इसमें से एक बात इंपॉर्टेंट है, महाजनपद थे, इनमें से यूपी में कितने थे पता है आपको, यूपी में कितने थे, कितने लोगों को पता है 16 महाजनपद में यूपी में कितने थे, उत्तर प्रदेश में कितने हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, रट लीजिएगा। 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो गलती मत करिएगा। अगला है टोपरा, ये इस प्रश्न का जो सही विकल्प है फिरोज शाह। जी हाँ, फिरोज शाह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, फिरोज शाह अर्थात 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, जौनपुर नगर
किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, किसकी याद में जौनपुर नगर को बसाया गया था। जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए, जौनपुर की एक जामा मस्जिद है और लाल दरवाजा है। जौनपुर में क्या क्या है? एक जामा मस्जिद है, लिख लीजिएगा आप लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं या जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं। जामा मस्जिद है, लाल दरवाजा भी है, लाल दरवाजा है, ठीक है, लाल दरवाजा। ये हुसैन शाह सरकी, इसका निर्माण किसने किया था? हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी ने इसका निर्माण किया था। लेकिन जौनपुर में बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए। देखिए, इस प्रश्न का होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, बी वालों का सही जवाब है। अपने जिले की विशेषता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला, अकबर के नवरत्नों में एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? जी हाँ, यूपी स्पेशल की ऐतिहासिक सीरीज है। जी हाँ, लाल दरवाजा उत्तर प्रदेश जौनपुर में है, जौनपुर शहर में। जल्दी भी कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। देखिए, जौनपुर में अटाला मस्जिद भी है, जौनपुर में अटाला मस्जिद भी है, अटाला मस्जिद, इसका भी निर्माण हुसैन शाह सरकी ने कराया था, रट लीजिएगा, इसका भी निर्माण हुसैन शाह सरकी ने ही कराया था। टोडरमल कहां से थे? जी हाँ, टोडरमल सीतापुर से थे। जी हाँ, सीतापुर से थे। जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर सी है, उनका जवाब क्या होगा? सीतापुर। एक बात बताइएगा, टोडरमल अकबर के दरबार में किस पद पर थे, किस पद पर थे, किस पद पर थे, ठीक है, और मनसबदार क्या था, ये मनसबदार क्या था, ठीक है। अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे, किस पद पर थे, और ये मनसबदार क्या था, मनसबदार और मनसबदारी में क्या अंतर है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट बताइए, कन्नौज पर कब हमला किया था? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर पहला युद्ध देखा जाए तो पता है कब हुआ था? मेनांडर का युद्ध, ये लिख लीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मेनांडर का युद्ध, ये उत्तर प्रदेश में पहला युद्ध मिलता है 182 ईसा पूर्व। यह मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार किया था पहली बार। तो जल्दी से बताइए, मोहम्मद गजनवी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, ये था 1018-1019, रट लीजिएगा 1018 और 1019 में, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। जी हाँ, डेली क्लास होगी, इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, बाकी क्लासेस की लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, कमेंट करके बताइएगा, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, फटाफट कमेंट करिएगा कौन था। अपने अपने जिले की विशेषता रट लीजिएगा। जी हाँ, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, ये हुसैन शाह सरकी का पूरा नाम था, इसी ने, हुसैन शाह सरकी ने ही, हुसैन शाह सरकी ने ही जौनपुर में जामी मस्जिद, लाल दरवाजा, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। इसलिए यहां से प्रश्न आपका सही है, बी वालों का सही जवाब है, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था। यार, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं पैसा नहीं कटेगा आपका। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर भारत के इतिहास में
औरंगजेब की जगह दारासी को भारत का शासक होता तो भारत की वर्तमान स्थिति क्या होती। देखिए आगरा की जो मोती महजिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। 20 प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहां, इसे भीतरी कहते हैं, भीतरी कहते हैं, भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहां स्थित है। टेराकोटा पक्की मिट्टी, बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए भीतर गांव मंदिर कहां है, सभी लोग फटाफट बताइए। जी हां, कानपुर इसका सही जवाब है, कानपुर इसका सही जवाब है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, कानपुर। चित्रकूट किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करिएगा। गोरखपुर का नाम गोरखपुर क्यों पड़ा, जी हाँ गोरखपुर का नाम गोरखपुर क्यों पड़ा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, अभी हमने इसके बारे में ऊपर चर्चा किया, तब तक आपका प्रश्न आ गया, बताइए जल्दी से। 8, 11, 15, 19, कुल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से 8 यूपी में थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए ऊपर हमने बताया, सभी के जवाब सही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, मतलब उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, सभी लोग बताइए। इसे हम संयुक्त प्रांत कहते, इसे हम कहते थे संयुक्त प्रांत कहते थे। उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो कब था, 24 जनवरी। लेकिन राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, राज्य लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। कब, 1937 में, किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नाम 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, राज्य की इस पहचान स्वाभिमान के लिए इस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, माने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा कब की गई, मई 2017 में माननीय सरकार के द्वारा ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, इसी दिन इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। रट लीजिएगा, मैंने आपको अंतर बता दिया, 1 नवंबर में क्या अंतर है और 24 जनवरी में क्या अंतर है। इसे संयुक्त प्रांत कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए आप सभी ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ, मौर्य वंश का भी संबंध उत्तर प्रदेश के सरजमी से है। देखिए डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विथ दुर्गेश पर। क्लास खत्म होने के बाद मैं कुछ इसके की पॉइंट में बताऊंगा, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश विविध बताऊंगा, अभी
अभी मैं उस पर उत्तर प्रदेश विविध बताऊंगा ताकि आप लोग को कई चीजें पता हो जाए। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, जितने वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करके बताएं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पे। जी हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सही जवाब। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राजचिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ईजी है, बहुत ही हलुआ प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं विविध बताऊंगा, रुके रहिएगा, भागिएगा मत। अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, इसके बाद हम आपको विविध बताएंगे, कुछ 5 जिलों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चलिए इसका उत्तर होगा सारनाथ में। जी हाँ, सारनाथ में है सिंह स्तंभ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं यूपी स्पेशल के कुछ मानचित्र के आधार पर कुछ विविध तत्व को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तैयार हैं आप लोग उत्तर प्रदेश विविध के लिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग आपके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विविध पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए यहाँ पे हम आज आपके साथ यूपी स्पेशल की कुछ महागाथा सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में कई बार सवाल आते हैं। मेरा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे एकदम आपको दिख रहा होगा, ये ललितपुर है। ललितपुर की सीमा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है, बताइए कितने राज्यों को यह स्पर्श करता है। जितने वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं ललितपुर के बारे में। देखिए ललितपुर में क्या है, दशावतार। देखिए ललितपुर के बारे में यहाँ पर क्या है, दशावतार मंदिर है। क्या है? दशावतार मंदिर है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे। दूसरा, अगर आप लोग को पता है कि एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि इतने लोग वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मथुरा, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा मथुरा, सबको दिख रहा है, ये मथुरा है। मथुरा के बारे में कितने लोग को पता है? देखिए इसे द्वारकाधीश, यहाँ पे मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर में बता रहा हूँ, आज की क्लास में ऐतिहासिक धरोहर। यहाँ पे जो मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि भी है। यहाँ पे क्या है? कृष्ण जन्मभूमि है। ध्यान दीजिएगा, मथुरा में क्या है? द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी है। ठीक है जी हाँ, दिल्ली को लेकर 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश कितने देश की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश कितने देश की सीमा को स्पर्श करता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग को शायद पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से परीक्षा में आपके प्रश्न आता है, ये प्रयागराज। यहाँ पे दिख रहा है प्रयागराज, सबको दिख रहा है प्रयागराज। प्रयागराज का ऐतिहासिक धरोहर आपको पता है? यहाँ पे प्रयाग स्तंभ है, इलाहाबाद का किला है, खुसरो का मकबरा है, आनंद भवन है, प्रतिष्ठान पूरी झूसी है, श्रृंगवेरपुर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। अब एक टॉपिक आपको यहाँ पे और है जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे जरूर कराना चाहूँगा, आगरा। देख रहे हैं आपको आगरा दिख रहा है यहाँ पे, आगरा ध्यान से देखिएगा, आगरा दिख रहा होगा। आगरा में ध्यान से देखिएगा, फतेहपुर सीकरी है। आगरा में फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल है। आगरा में क्या है? फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, आगरा का किला, ताजमहल, सामूगढ़, सिकंदरा, अकबर का मकबरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ठीक है आप लोग, एटा, एटा से कोई है? एटा से कोई है यहाँ पे? देखिए एटा, यहाँ पर एटा है, कोई एटा से है? एटा, जी हाँ, एटा में आपका क्या है? अंतर जीखड़ा का मंदिर है। ठीक है चलिए, और इसी के साथ मैं इसके बाद हम आगे देखिए, कानपुर देहात में, एक कानपुर है और एक कानपुर देहात। तो जो कानपुर देहात है आपका, कानपुर देहात में क्या है? भीतर गांव, ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया था, भीतर गांव है। ठीक है, यहाँ पे काफी प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको देखिए लखनऊ, यहाँ पे देखिए लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ दिख रहा है आप लोग को? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, अवध की राजधानी थी ये, अवध की राजधानी लखनऊ थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न आता है। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनके मन में कोई सवाल,
कोई प्रश्न? यहाँ पे गाजीपुर दिख रहा है, कितने लोगों को ये गाजीपुर दिखा? गाजीपुर, गाजीपुर के बारे में कितने लोगों ने देखा? यहाँ पे भीतरी का स्तंभ लेख है, कार्नवालिस का मकबरा है। यहाँ पे गाजीपुर में क्या है? कार्नवालिस का मकबरा है, भीतरी का स्तंभ लेख है, ये पूछा जाता है जो आपके परीक्षा में है और यहां से कई बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। कन्नौज से कितने लोग हैं? ये कन्नौज, कन्नौज में आपको पता होना चाहिए जयचंद्र का किला है। ठीक है, लखीमपुर खीरी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूरत भवन यहीं पर है। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में बांसखेड़ा का तामपत्र है। और एक बात आओ बदायूं के बारे में, बदायूं बहुत प्रसिद्ध है, यहां से प्रश्न आता है बदायूं। देखिए बदायूं के बारे में कोई बता सकता है बदायूं में क्या चीज है? अब्दुल कादिर बदायूं की जन्मस्थली है, शेख निजामुद औलिया की जन्मस्थली है। जी हां, मेरठ, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मेरठ आपको दिख रहा होगा, मेरठ। यहां पे सरधना बेगम समरू द्वारा चर्चित चर्च है। आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल यहां तक है, मेरठ तक, आलमगीरपुर यहीं पर है। ठीक है, और आगे हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी, हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी मेरठ में थी। और संभल में, याद रखिएगा, संभल में बाबर द्वारा स्थापित जामा मंदिर, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाने का प्रयास किया जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं, और आने का भी सवाल है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बात और आप लोगों को शायद पता हो, झांसी, यहाँ पे झांसी आप लोग को दिख रहा होगा, झांसी के बारे में थोड़ी बातें बता दूँ। यहाँ पे कालिंजर का, यहाँ पे सॉरी, झांसी में जो है आपका झांसी का किला है, लक्ष्मीबाई महल है। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताइए, मगहर कितने लोग जानते हैं? मगहर संत कबीर नगर, देखिए यहाँ पे होगा संत कबीर नगर, ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में मगहर, संत कबीर दास की जन्मस्थली है मगहर, कबीर दास की जन्मस्थली है। ठीक है, कुशीनगर यहाँ पे दिख रहा है, कुशीनगर, कुशीनगर, गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। चलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, सभी लोग यूपी स्पेशल के नोट्स उपलब्ध हैं, उसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको उपलब्ध यहाँ पर है, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो आगे बात करेंगे ऐतिहासिक धरोहर की बात करेंगे, किसी दिन भवन निर्माण की बात करेंगे, फिर कलाकृत उत्पादन, फिर वहाँ की प्रमुख नृत्य। तो एक एक दिन की क्लास में एक एक दिन की स्पेशल को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात, अच्छा एक काम करिएगा, यहाँ पे गलती हो गई क्या, ध्यान से देख लीजिएगा। जी हाँ, संत कबीर नगर, संत कबीर दास की समाधि स्थल। चलिए अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मगहर में उनकी जन्मस्थली नहीं है, मृत स्थली थी मगहर में। ठीक है, लहर तारा जन्मस्थली थी, ठीक देख लीजिएगा, लहर तारा जन्मस्थली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगली बार और बेहतर क्लास रहेगी आपकी, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगी, एक एक टॉपिक को हम लेंगे और पूरा अध्ययन वार पहले उसकी व्याख्या करेंगे, तब पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसको दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, कई बार देखिएगा। ठीक है, कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में थी, मगहर आपका संत कबीरनगर में है और लहर तारा में बनारस में। ठीक है, ठीक है, चलिए। अरे ठीक है भैया, जल्दी जल्दी बताने में हो सकता है कि निष्ठक इतनी इतना जनपद होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप लोग जिद ही कर रहे थे टॉपिक में, यहाँ पे और बता दूं, तब तक बात ही बात में जब इतना लंबा वीडियो हो ही गया है तो थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ जान लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लाइव सेशन पढ़ रहे हैं आपके साथ, जहाँ पे लाइव अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है, इसमें कुछ बातें अगर आपको पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं एक नई चीज़ आपको बता देता। जैसे हुलास देवबंद,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे सहारनपुर, देखिए यहाँ पे सहारनपुर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, सहारनपुर, सहारनपुर में देवबंद है, दारुल उलूम का संस्थान है, और हुलास, यहाँ पे हुलास है, ये हुलास है, ये उत्तर प्रदेश के हड़प्पी स्थल है। ये देवबंद, दारुल उलूम के संस्थान है, और हुलास उत्तर प्रदेश के यहाँ पे स्थल है। ठीक है, यहाँ से इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फिर मिलते अगली क्लास में। चलते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। हाँ, उसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कबीरदास में, चलिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, इसके अलावा भी क्लासेज आपको मिलती रहती है।